नंबर नाइन जो है ना बोलता है माई वे और हाईवे या तो मेरी बात सुन नहीं तो निकल इधर से माई वे और हाईवे राइट सो दे आर वेरी पीपल वॉरियर कब छिड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं right. अभी तक तो ठीक था इसको क्या हो गया भाई को हुँ. तो कोई भी बंदा किसी भी महीने की नाइन को एटीन को ट्वेंटी सेवन को पैदा हो रहा है तो वो मंगल रूल्ड है इसका जो दिन है वो हमारा जो दिन है ट्यूजडे का दिन है okay. भूमिपुत्र भी इसको बोला जाता है एंड वॉरियर है नेचर लवर है स्पिरिचुअल है पैशनेट है एडवेंचरस है है ना रफ एंड टफ भी है इसके कुछ ही दोस्त हैं बट अच्छे हैं नेचर से इसको बहुत प्यार है इमोशनल ये हो जाता है बहुत जल्दी छिड़ भी जाता है इंट्यूटिव है लोगों को समझता है एंड साइकिक एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं और कई बार ना अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है ठीक है बंदा यार एकदम से ठीक था इसको क्या हो गया छोटी सी बात भी इसके दिल पे चुप जाती right. है और महाभारत का कैरेक्टर था करण करण बड़े इसके साथ वो करता है देने पे आए तो मतलब कवच कुंडल निकाल निकाल के दे रहा है लोगों को और लेने पे आए तो लोगों से छीन रहा है तो मंगल जो वो करेक्टर था पंकज धीर आपने महाभारत का वो करेक्टर देखा होगा वो ऐसे लोग नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते बड़े यू नो देने पे आए तो कुछ दे दें ना देने पे आए तो उनसे भी ले लें वो इनके साथ देखने को मिला है बट अदरवाइज दे आर दीलर हीलिंग लाइन में अच्छा कर सकते हैं बहुत सारे लोग आयुर्वेद में है हीलिंग में है जो कि अच्छा कर रहे हैं टेक्निकल लाइनों में अच्छा करते हैं पायलट्स बन सकते हैं मंगल वाले लोग है ना और कोई भी रियल एस्टेट के काम में जा सकते हैं वो भी इनको सूट करते हैं लेकिन कई कई बार बार डिप्रेशन और लोनलीनेस इनको सताती हुँ. है एंड ये क्रिटिक्स हो जाते हैं अपनी अपने आप ही अपनी वो करे जा रहे हैं क्रिटिक हुए पड़े हैं मैंने ऐसे नहीं किया हाई मैंने ऐसे नहीं किया मैंने ऐसे नहीं किया तो दो चार साल तक क्रिटिक ही हुए जा रहे हैं तो बी अ लेस सेल्फ क्रिटिक एंड माईवे और हाईवे इनका जो है वो हमेशा होता है कि या तो मेरे हिसाब से चलो नहीं तो निकलो यहाँ से इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको पता है सलमान खान को जानते हैं सलमान खान अरबाज खान उनके भाई हमारे साथ जुड़े हुए अरबाज खान जी जुड़े हुए अभी हम लोगों ने दिल्ली में इवेंट किया था तो अरबाज खान उसके अंदर आए थे एंड शशि थरूर नंबर नाइन रवि शास्त्री आपने देखा होगा कैसा आदमी जी रवि शास्त्री सलमान खान ये सब लोग जो हैं और नितिश गडकरी जिन्होंने बहुत किया इस देश के लिए आपको पता है महाराष्ट्र से बिलोंग करते नितिन गडकरी नंबर एग्जांपल ऑफ नंबर नाइन एच डी देवेगौड़ा नंबर नाइन जाकिर हुसैन जाकिर उसे तबले बजाते हैं तो जाकिर हुसैन ने एक बार बात बोली थी कि जब मैं बचपन में तबला बजाता था तो मेरे हाथ ना बड़े चुभते थे मुझे अच्छा नहीं लगता था मेरे मेरे को बड़ा होता था ना तबला, हाथ बड़े छिल जाते थे कह रहे लेकिन जब आज मैं तबला बजाता हूँ तो पूरे लोग उसके ऊपर थिरकते हैं पूरा इंडिया उस पर थिरकता है तो आज वो चुभता नहीं है तो नंबर नाइन जो है वो एक अच्छा नंबर है शशि कपूर रवि शास्त्री विनोद कामली फरहान अख्तर जिन्होंने बहुत मेहनत करी सब नंबर नाइन के एग्जाम्पल रहे हैं एंड स्टमक इश्यूज डाइजेशन इश्यूज एक्सीडेंट्स होते रहना फ्रीक्वेंटली कोई चोट लगते रहना एक हमारे पंडित जी थे वो हमेशा बात बोला करते थे कि अगर आप नंबर नाइन वाले हो और आपकी बॉडी पे एक भी चोट का निशान नहीं है तो आप समझना आपने मोती दान किया है क्योंकि नंबर नाइन को कोई ना कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं कहीं ना कहीं लगी रहेगी अच्छा कभी यहाँ पे कट लग जाएगा कभी बॉडी पे कट लग जाएगा दे कीप फाइंडिंग अ वे टू गेट इंजर्ड फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं इंजर्ड होने का ओके okay. और इनके लिए रिलेशनशिप क्या रहता है

ठीक है और दूसरों की मतलब उफ, ऑफेंड हो जाते हैं तो मेक श्योर sure ऑफेंड नाउ डेली प्रणाम ये लोग कर सकते हैं कलर जो है इनका रेड कलर इनको बहुत सूट करता हुँ. है और रेडिश स्टोन के कलर ऑरेंज भी इनको सूट करता है ओके okay.